हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि मैदा में से हम लोग प्लेन केक कैसे बना सकते हैं। ये प्लेन केक हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के भी साथ हम लोग सर्व कर सकते हैं इजीली। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन केक बनाना। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, उसके अंदर मैं एक स्टैंड प्लेस करूँगी और इस कुकर को मैं कम से कम 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसका जो मैं ढक्कन लूँगी उस पर मैंने ना ही विसल लगाई है और ना ही मैंने रबर ली है। तो जब तक ये हमारा कुकर रेडी होता है तब तक हम अपने केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 6 चम्मच दही, 6 चम्मच पाउडर शुगर। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप 1 चम्मच शुगर पाउडर बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, मिल्क मैंने 1.5 कप लिया है और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 कप। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है जिसमें अब मैं अपनी दही ऐड करूँगी। इस दही को हमें फेंट लेना है जब तक कि इसमें जो भी इसके दानेदार हैं वो एकदम लम्प फ्री नहीं हो जाता। हमें अपने बैटर के लिए कोई भी दाना नहीं चाहिए, एकदम प्लेन कहें तो इसका मिक्सचर चाहिए। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे शुगर। जैसे मैंने कहा था पहले ही 6 स्पून मैंने शुगर ली है यहाँ पे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसका भी एकदम लम्प फ्री बैटर रेडी करेंगे। इसे हम कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे जब तक दही के साथ शुगर और ऑयल मिक्स नहीं हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा। ये 2 कप मैदा जो है मैंने ऑलरेडी छान लिया है। छानने से क्या होगा कि उसमें एयर कंडक्ट हो जाएगी। जब भी आप मैदा लें याद रखिए कि उसे एक बार छान लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक लम्प फ्री पतला सा सेमी थिक बैटर रेडी करेंगे। अब हम इस मिक्सचर में धीरे धीरे करके हमारा मिल्क ऐड करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें सारा का सारा दूध एक साथ ऐड नहीं करना है, हमें ग्रेजुअली इसमें मिल्क ऐड करते जाना है और स्टर करते जाना है जब तक कि हमें हमारी सेमी थिक कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर नहीं मिल जाता है। ये हमारा बैटर यहाँ पे बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है जैसी हमें चाहिए। तो अब हम इसे अपने ग्लासेस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं आज की केक बना रही हूँ ग्लासेस में, तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 ग्लासेस लिए हैं। अब मैं इनको ग्रीस कर दूँगी। मैं यहाँ पे लूँगी ऑयल। जिनके पास बटर पेपर है वेल एंड गुड, वो लोग उससे भी कर सकते हैं, पर मेरे पास अभी बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं इनको ऑयल से ग्रीस करूँगी। मैंने अब यहाँ पे ले लिया है मैदा। अब इन ग्रीस ग्लासेस को मैं मैदे से छिड़क दूंगी। मैदे से क्या होगा, जो भी हम केक का बैटर इसमें ऐड करेंगे उससे वो नीचे चिपकेगी नहीं। तो 1-1 स्पून मैदा मैं इनमें डाल रही हूँ और चारों तरफ मैं इनको रोटेट करते हुए कवर कर दूंगी, और जो भी एक्स्ट्रा मेरा मैदा होगा उसे मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने 3 ग्लासेस को कैसे मैदा से कोट कर दिया है। चलिए अब अपना बैटर हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बैटर को हम फाइनली एक बार अच्छे से मिक्स करके अपने ग्लासेस में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने कुकर की तरफ।
कुकर यहाँ पे प्री हीट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी इसे ढक के मीडियम हाई फ्लेम पे रख दिया था जैसे मैंने आपको बताया था। अब हमें इसमें अपने ग्लासेस रख देने हैं। एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्लासेस इसमें रखें बड़े ही ध्यान से रखें, क्योंकि ये जो चारों तरफ इसकी है कुकर की वो बहुत गर्म होगी तो कहीं जल वल ना जाए। और अब हम इसे बंद करके मीडियम फ्लेम पे कम से कम 25 से 30 मिनट तक यूं ही बेक होने के लिए रख देंगे। जो हैंडल मैंने लिया है कुकर का उस पर अभी भी ना ही मैंने विसल लगाई है और ना ही मैंने लगाया है इसकी रबर बैंड। आप देख सकते हैं जो केक है हमारी वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें से ग्लासेस निकाल लेंगे। वैसे भी जब आप इस कुकर को खोलेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि ना ही आपको उसमें कोई वनीला एसेंस डालने की ज़रूरत है और ना ही कोई और चीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेन केक बनाई इसलिए हमने कुछ ऐड नहीं किया है। जैसे ही हमारी केक ठंडी हो जाएगी हम उसे एक नाइफ़ की हेल्प से यूँ चारों तरफ से अलग करके अपनी केक को डीमोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी केक बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी स्पॉन्जी और कितनी फ्लफ़ी हमारी केक बनी है। यहाँ पे आप इसे चाहें तो चॉकलेट सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर न्यूटेला के साथ भी सर्व कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ये केक बहुत ही पसंद आती है। आप इसे अपने मन चाहे शेप में कट कीजिए, चाय के नाश्ते के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।